तो अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य होकर हमें कौन से जिज्ञासा करनी चाहिए। वेदांत सूत्र में कहा गया है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। अततो का मतलब होता है अब। तो आपका मतलब क्या है? आपको कौन सा शरीर मिला हुआ है? अभी मनुष्य का। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब ब्रह्म को जानने की कोशिश कर। ब्रह्म का मतलब क्या है? आध्यात्म। अभी यहाँ चक्र में पढ़ना, ब्रह्म के बारे में बताऊंगा आपको, परंतु अभी इतना समझो, ब्रह्म का मतलब दिव्य, ब्रह्म का मतलब आध्यात्म, ब्रह्म का मतलब सब कुछ जानने की कोशिश करो, सिर्फ एक ही पहलू मत जानने की कोशिश करो। जीवन में आप लोग सब, हम लोग सब एक ही पहलू को जानने की कोशिश करिए। इसलिए हमारा जीवन क्या हुआ है? एक तरफा। एक पहिए पे गाड़ी आगे नहीं चलती प्रभु जी, वो वहीं 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 घूमती रह जाएगी, और वही हमारी जीवन वहीं से शुरू हुई और वहीं ख़त्म हो रही है। हम कहीं आगे नहीं बढ़े, कहीं आगे नहीं बढ़े। अब प्रश्न उठता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा जिनका उत्तर हमें ढूंढना चाहिए। सरल, हवाई जहाज उड़ता हुआ देखते हो, जो अकलमंद व्यक्ति होगा वो सोचेगा यार क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति ने जिसने पहली बार हवाई जहाज हवा में उड़ा दिया। नहीं होगा प्रभु जी दिमाग, आज हम कहाँ उड़ा सकते हैं। क्या दिमाग होगा जिस व्यक्ति ने इसको हवा में उड़ा दिया, परंतु एक कदम आगे सोचो उसका दिमाग क्या होगा जिसने कि ये ग्रह हवा में उड़ा दिए। सोचो प्रभु जी, एक हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आपको सोचते हो अरे क्या साइंटिस्ट है, क्या दिमाग है, इसको नोबेल प्राइज देना चाहिए। तो फिर जिसने ये ग्रह हवा में उड़ा दिए उसको क्या देना चाहिए? उसकी क्या बुद्धि होगी? अच्छा बाई चांस हवा में उड़ जाता है क्या हवाई जहाज? आज भी बाई चांस नहीं उड़ता, हवा में उड़ता है प्रभु जी हैं? कभी सोचो, दिमाग लगाइए। कभी ऐसा हुआ आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो ना प्रभु जी, सुबह सुबह टहलने निकले दो दोस्त, वापिस आए तो बोले कि अरे दूसरा साथ में था वो कहाँ गया? अरे यार वो थोड़ा तेज चल गई धरती, उड़ गया। हो ही जाएगा, अगर थोड़ा तेज चल जाए तो क्या होगा प्रभु जी? हम लोग सबके सब कहाँ उड़ जाएंगे? हवा में। हुआ आज तक ऐसा कि भाई तीन दोस्त गए थे, अखबार में आए आज दो गायब हो गए, तो वो लोग मॉर्निंग वॉक पर जाना ही छोड़ देंगे, बोलेंगे यार चलते फिरते में गायब हो जाते हैं। हुआ आज तक ऐसा? हाँ, और आप बोलते हो ये बाई चांस हो गया है। मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं इस घड़ी को बनाने वाला कोई नहीं है, तो ये विश्वास अंधविश्वास है कि सही विश्वास है? तो उसका मतलब ये मानना कि इस पृथ्वी को हवा में जिसने घुमा रखा है, जिसने ऐसा बना दिया है, ना मानना अंधविश्वास है। बनाने वाला है। अरे कैमरे को देखते हो, कहते हो क्या कैमरा जरा सा और क्या मेगा पिक्सल है ना प्रभु जी। अरे इस कैमरे को देखो, क्या जबरदस्त कैमरा है। आज ऐसा हुआ जोशी जी कभी कि आपने किसी को देखा बोला यार कल आइयो इसको मैं प्रोसेस कर लूं, है ना, कि फोटो आज खींची है कल देखूंगा क्या निकली। अरे इंस्टेंट और थ्री डायमेंशनल, तीन, देखिए गहरा भी, ऊंचा लंबा, तीनों चीजों के अंदर, और कलर कैसे, इससे देखा जाता है नेचुरल है कि नहीं है। ये कैमरे को तो भूल गए, अच्छा अपने आप आ गया, ये तो कैसे भी बन गया। अच्छा जी कैसे भी, क्या दिमाग है। ये जानने की कोशिश करिए वो कौन है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जीवित शरीर और मृत शरीर जब देखते हो तो देखो इन दोनों में क्या कोई भेद है। तीसरा प्रश्न, क्या भेद है? एक में चेतना है, एक में चेतना नहीं है। चौथा प्रश्न, मैं सिर्फ एक एक लाइन के आंसर दे रहा हूं, इनके फिर एक्सपेंशन होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ये चेतना क्या है? बैटरी की तरह है जो कि जब पूरी हो जाती है तो खत्म हो जाती है, या कोई ऐसी चीज है जो अंदर से निकल जाती है जिसके कारण कि ये शरीर क्या हो जाता है? खत्म। साइंस भी हाइपोथेसिस बोलती है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, नहीं हो पे नहीं चलती साइंस। तो हमारे शास्त्र कहते हैं क्या, वेद कहते हैं इस एक वस्तु है जो अंदर से चली जाती है, एक चीज़ है जो अंदर से चली जाती है, उसको हम कहते हैं आत्मा। कुरान कहती है रूह, और बाइबल कहती है सोल। पानी, नीर, तन्नी, मद्रासी में तन्नी, हिंदी में पानी, संस्कृत में। तो प्रभु जी एक ही वस्तु है, तीन अलग वस्तु है, एक ही वस्तु है। अगला प्रश्न, अगर यह आत्मा हूं, यह आत्मा है, तो यह आत्मा का पहला प्रश्न उस बनाने वाले के साथ कोई संबंध है? होना चाहिए। वो क्या संबंध है? और क्या जानने के प्रभु बाजी प्रभु जी समझिए उसके बाद कैसे उसमें कार्य करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे याद है आज से 30 साल पहले जब पिक्चर देखते थे, भाई बिछड़ गए, आपस में लड़ रहे हैं, जब पता लगा भाई भाई हैं तो क्या हो गया प्रभु जी, अपने अपने रास्ते चले गए, गले मिल रहे हैं, अरे गले मिल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं भाई समझकर। इसी तरीके से भगवान के साथ क्या संबंध है इसको जानना और उसमें कार्य करना, यही जीवन की पूर्णता है। और यही सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं लेके जाता है कि ये क्या है। अब प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान कहां से लें, जरूरी है प्रभु जी। भौतिक ज्ञान कहां से लेते हो, चलिए फटाफट समझ जाओगे आप, 3 चीजों से लेते हो, बताइए, टीचर, किताबें, और तीसरा है प्रभु जी फेलो, जो हमारे आसपास के विद्यार्थी हैं, है ना प्रभु जी, सीनियर, जूनियर और सेम क्लास के बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं ना प्रभु जी। सीनियर से ही बात करते हैं, जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में चले जाओ, मेडिकल कॉलेज चले जाओ, लॉयर बनने चले जाओ, तो अपने सीनियर से भी आप हेल्प लेते हो, जूनियर आपसे पूछने आता है उसको सिखाते हो, तो ये 3 लोगों से आप ज्ञान लेते हो, 3 चीज़ों से, सॉरी, टीचर, दूसरा बुक्स, किताबें, और तीसरा अपने साथ के स्टूडेंट्स। आध्यात्मिक ज्ञान, एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान इन 3 चीज़ों से ही लिया जाता है। और आध्यात्मिक से भौतिक आया है, भौतिक से आध्यात्मिक नहीं आया, ध्यान रखिएगा। आध्यात्म में टीचर को गुरु कहते हैं, किताबों को शास्त्र कहते हैं, और स्टूडेंट्स को साधु कहते हैं। हो गया क्लियर? इन 3 चीजों से ज्ञान हासिल किया जाता है।